वेलकम बैक माय डियर व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे चॉकलेट कुकीज, वो भी घर पर बिना ओवन के। चले स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट कुकीज बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ 100 ग्राम बटर। देखिए इस तरह का जो पैकेट मिलता है 100 ग्राम्स का, ये बटर हम लेंगे 100 ग्राम्स पूरा हम ले लेंगे। फ्रिज में नहीं होना चाहिए, सारे इंग्रेडिएंट रूम टेम्परेचर पे चाहिए। इसे हम बीट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने हैंड विस्कर लिया है। देखिए इस तरह से क्रीमी टेक्सचर आने तक हम इसे बीट करेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे, आधा कप डालेंगे पिसी हुई चीनी। नॉर्मल शुगर लिया है, उसे ग्राइंडर में पीस लिया था। इसे बटर के साथ मिक्स कर देंगे। जैसे आप इसे अच्छे से फेटेंगे, इसका कलर भी लाइट हो जाएगा और ये क्रीमी भी हो जाएगा। अच्छे से बीट करेंगे 1 मिनट के लिए। देखें इस तरह से इसका कलर लाइट हो गया है एंड टेक्सचर भी क्रीमी है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा। और 2 बड़े चम्मच, 1 कप के साथ साथ 2 बड़े चम्मच मैदा भी आप ऐड कर लीजिए। साथ में डालेंगे 2 चम्मच कोको पाउडर। इसे हम छान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। रोटी का आटा जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से नहीं गूंदना है, हम इसे जेंटली मिक्स करेंगे। जब इस तरह से क्रम्स हो जाएं तो इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके दूध। हमें बेसिकली एक डो प्रिपेयर करना है, 1-1 चम्मच करके दूध डालेंगे। दूध नॉर्मल टेम्परेचर पर है, हल्के हाथ से ही हम मिक्स करेंगे। टोटल दूध यहाँ पे मैंने 3 चम्मच यूज़ किया था। थोड़ा सा दूध और अब फाइनली इसे नीट कर देंगे। ये डो प्रिपेयर है। आप चाहे तो इस डो में ही आप चोको चिप्स ऐड कर सकते हैं या फिर ऐसे ही बिना चोको चिप्स के बना सकते हैं। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि डो प्रिपेयर है कि नहीं। बस थोड़ा सा डो लेंगे और इसे हम एक कुकी का शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं ये फाइन है, यानी चिकना भी है और ये फट भी नहीं रहा है। एंड तो ये हमारा डो प्रिपेयर है। तो चलिए कुकी हम प्रिपेयर कर लेंगे। छोटा सा बॉल साइज ले ले और फिर इस तरह का फ्लैट करके अपने हथेलियों पे हल्के हाथ से एक शेप दे दे। आप कुकी का थिकनेस आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मोटा या फिर थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं। इसी तरह से सारे कुकी हम प्रिपेयर कर लेंगे। केक टिन ले ले या फिर आप कोई भी प्लेट ले ले या फिर कोई भी ट्रे ले ले। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, इसे हम ब्रश कर लेंगे, तेल को अच्छे से लगा लेंगे। अब हम इसमें प्रिपेयर किए हुए कुकीज प्लेस कर देंगे। 1 से 2 कुकी के दरमियानी हम थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, क्योंकि ये जब बेक होंगे तो ये फूल जाएंगे और स्पेस कंज्यूम करेंगे। कोई भी हेवी बॉटम का बर्तन ले लें या फिर कढ़ाई ले लें, इसमें डालेंगे नमक और फिर इस तरह से स्टैंड प्लेस करके इसे हम प्री हीट करेंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। एक बार ये अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे अपना केक टिन जिसमें हमने कुकीज़ प्लेस करके रखे हुए थे।
और ढक के बेक करेंगे इसे 20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर। दूसरे साइड में भी मैंने इसी तरह से बेक करने के लिए रख दिया है। आप एक बार 15 मिनट के बाद चेक कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो फिर 5 मिनट के बाद आप फिर दोबारा से चेक करें। देखिए टोटल 20 मिनट हो गए हैं। मैं इसे बताती हूँ किस तरह से चेक करना है। ये कुकीज़ पहले आपको ऊपर से सॉफ्ट लगेंगे, तो आप नीचे के दरमियानी देखें इस तरह से क्रंची क्रंची लगेंगे, तो ये कुकीज़ आपके रेडी हैं। तो अब इसे हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। जैसे ये ठंडे हो जाएंगे तो ये क्रिस्प अपने आप ही हो जाएंगे। इन केस अगर क्रिस्प नहीं होते हैं तो आप दूसरी बैच जब बनाएंगे तो उसमें क्या करें, 5 मिनट्स बेकिंग टाइम इंक्रीज़ कर दें। जैसे सेकेंड वाले में मैंने यहाँ पे दिखाया है कि इस वाले पे मुझे लग रहा था कि टोट अभी नहीं हुआ है, तो मैंने 5 मिनट के लिए और बेक कर लिया था। बेकिंग टाइम आपकी कुकीज़ के थिकनेस पे भी होती है, तो इसीलिए आप एक बार 15 मिनट पे चेक करें, ज़रूरत पड़ने पर 5 मिनट या 10 मिनट और बेक कर लें। कम्प्लीटली ठंडे कुकीज़ हो चुके हैं, आप हम चेक कर सकते हैं क्रिस्प हो गए हैं। जैसे ही ये देखें इस तरह से ये कुकीज़ हमारे परफेक्टली रेडी हैं। इन केस आप बेकिंग में बिगिनर हैं, आपने पहले कभी कुकी नहीं बनाई है, तब भी आप ये वाली रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। नो फेल रेसिपी है, परफेक्टली कुकीज़ बनेंगी कम टाइम में और कम सामान में। तो ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को ये वाली रेसिपी, ये वाले कुकीज़ काफ़ी पसंद आने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप अगर ये कुकीज़ बना के ट्राई करते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इस चीज़ से कोई रिलेटेड क्वेश्चंस है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।